अब हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि भारत में लोग नकल करके क्यों पास होना चाहते हैं और फिर रिश्वत के दम पर नौकरियां क्यों लेना चाहते हैं। इस सब के पीछे कारण एक ही है कि लोग परिश्रम नहीं करना चाहते। आपने देखा, नेता आलसी हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, कार्यकर्ता भी आलसी हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं। वो चाहते हैं बिना काम किए सिर्फ सड़क पर बैठकर ही पूरे भारत को बंद कर दें। काम नहीं करना चाहते, परिश्रम से बचना चाहते हैं। यही हाल सब जगह है, ये एक राष्ट्रीय समस्या है। आज हम ये सवाल उठाएंगे, हमारे देश के लोग नकल करने के बजाय परीक्षाओं में परिश्रम क्यों नहीं करना चाहते, पढ़ते क्यों नहीं है और क्यों अब नकल और धोखेबाजी एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। वर्ष 2021 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 132 देशों में 46वें नंबर पर है। इनोवेशन का मतलब होता है किसी नई चीज की खोज, यानी भारत इस रैंकिंग में बहुत पीछे है। लेकिन नकल करने के मामले में भारत के लोग हर दिन नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी अब नकल करने के लिए आ रही है। और अब परीक्षाओं में नकल करवाने के लिए जो नई खोज है वो है ब्लूटूथ लगी हुई चप्पल। आपने देखा होगा, अभी तक तो आपके मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में या आप जो भी डिवाइस यूज करते होंगे उसमें ब्लूटूथ होता है, लेकिन अब एक चप्पल आई है जिसमें ब्लूटूथ लगा हुआ है। भारत में इस नकल वाली चप्पल के आविष्कार का पता तब चला जब कल राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी रीट REET की परीक्षा का आयोजन हुआ। यानी राजस्थान में स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। अगर साधारण भाषा में कहें, ये सारे लोग स्कूलों में अध्यापक बनना चाहते थे और उसकी परीक्षा हो रही थी। और इसी दौरान अजमेर के एक परीक्षा केंद्र में एक उम्मीदवार एक ऐसी ब्लूटूथ लगी हुई चप्पल पहनकर आया परीक्षा देने के लिए, और इस चप्पल के सोल में एक सिम कार्ड समेत पूरा के पूरा मोबाइल फोन फिट कर दिया गया था। देखिए, हमारे देश के लोगों का दिमाग देखिए आप कहां तक पहुंचता है। इतनी अगर उन्होंने ताकत और दिमाग पढ़ाई में लगा लिया होता तो शायद टॉप कर जाते, लेकिन पढ़ाई करनी नहीं थी इसलिए पूरा दिमाग नकल में लगा लिया। इस उम्मीदवार ने अपने कानों में एक छोटा सा ब्लूटूथ डिवाइस लगा रखा था जो चप्पल में छिपे इस मोबाइल फोन से कनेक्टेड था, और इसी की मदद से ये उम्मीदवार बाहर खड़े एक व्यक्ति की आवाज सुन रहा था जो क्वेश्चन पेपर हल करने में इसकी मदद कर रहा था। यानी क्वेश्चन पेपर के जो जवाब थे वो फोन पर उसे बता रहा था। चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर फोन चिपकाया हुआ था और कान में एक दूसरा हियरिंग डिवाइस लगाया हुआ था। अब सोचिए पकड़ा कैसे गया। पुलिस को इसकी सूचना पहले ही मिल गई और जब इसी आधार पर इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई तो ब्लूटूथ चप्पल के जरिए नकल कराने का पूरा एक गिरोह पकड़ा गया और यह पूरा के पूरा गिरोह सामने आ गया। इसके साथ ही बीकानेर और सीकर से भी इन ब्लूटूथ स्लिपर्स के जरिए नकल करने वाले और नकल कराने वाले करीब 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसने ब्लूटूथ का आविष्कार किया होगा, जिस व्यक्ति ने, उसने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में परीक्षा में नकल करने के लिए होगा। पुलिस का कहना है कि इन चप्पलों को दिल्ली में तैयार किया जाता है और इन्हें परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों ने 6 लाख रुपए देकर खरीदा था। 6 लाख की चप्पल है। अब आप सोचिए कि राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा वो लोग देते हैं जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, जिन पर छात्रों को पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की जिम्मेदारी है और जिनसे उम्मीद की जाती है कि ये छात्रों को नकल करने से रोकेंगे, परिश्रम करना सिखाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? ये वो लोग हैं जो टीचर बनने से पहले ही चीटर बन गए। विडंबना है कि अंग्रेजों के इन दोनों शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे करने से टीचर शब्द चीटर बन जाता है और चीटर शब्द टीचर बन जाता है। नकल एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन राजस्थान में जो हुआ वो किसी मजाक से कम नहीं, और ये उन सारे छात्रों के साथ मजाक है, उन सारे छात्रों के मां बाप के साथ मजाक है जो पूरी मेहनत के साथ, निष्ठा के साथ पढ़ाई करके पूरे साल इम्तिहान देते हैं। पुलिस के मुताबिक इस चप्पल का आविष्कार करने वाला व्यक्ति बीकानेर में एक कोचिंग सेंटर का मालिक है और इन चप्पलों की सप्लाई और मार्केटिंग करने वालों में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है जो फिलहाल निलंबित है। यानी एक टीचर नकल कराने वाले उपकरणों का आविष्कार करने में शामिल हो गया, एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसकी ड्यूटी थी इसे रोकने की, वो इसे रोकने की बजाय इन उपकरणों की मार्केटिंग में लग गया और इसके उपभोक्ता वो लोग बन गए जो खुद भविष्य में टीचर बनना चाहते थे।
हमारे देश में नकल अब एक उद्योग बन चुका है। कुछ लोग नकल करके परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो कुछ लोग ईमानदारी से परीक्षा देना चाहते हैं, लेकिन कई बार भाग्य और सिस्टम ईमानदार लोगों का साथ नहीं देता। ऐसा ही इसी परीक्षा में शामिल होने आई एक महिला उम्मीदवार के साथ हुआ। यह महिला सीकर के परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले पहुंच गई थी, लेकिन इसे वहां मौजूद गार्ड ने कहा कि वो गलत गेट पर आ गई है, उसे दूसरे गेट से अंदर जाना होगा। दूसरा गेट दूर था, इसलिए यह महिला दूसरे गेट पर प्रवेश के समय से 5 मिनट लेट पहुंची और इसी वजह से इसे अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। ये उम्मीदवार रोती रही, इसे अंदर जाने देने के लिए लोगों से हाथ जोड़ती रही, लेकिन गेट पर खड़े गार्ड्स माने नहीं। ये भी देखी, ये एक महिला उम्मीदवार है, इसने नकल नहीं की, ये चीटिंग नहीं करना चाहती, समय से पहुंची थी, एक गलत फहमी हो गई, गलत गेट पर चली गई। और सोचिए हमारे देश में ईमानदार उम्मीदवारों के साथ जो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ईमानदारी से परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनके साथ क्या होता है और हमारे ही देश में कैसे पूरा की पूरा सिस्टम ऐसे कामचोर छात्रों को नकल करवा कर पास कराने में लगा रहता है। और फिर यही छात्र आगे चलकर अध्यापक बन जाएंगे और फिर अध्यापक बनने के बाद अपने छात्रों को भी अपने जैसा ही बनाएंगे। आज इस लड़की के लिए हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत खेद है और हम चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान की सरकार और जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो इस उम्मीदवार के बारे में ज़रूर सोचें। राजस्थान में ये परीक्षा 3 वर्षों के बाद आयोजित की गई थी और इसमें 6 लाख लोग शामिल हुए। 6 लाख लोग वहां ऐसे हैं जो अध्यापक बनना चाहते हैं। इस दौरान पूरे राजस्थान में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया गया ताकि छात्र इंटरनेट के जरिए नकल ना कर सकें और कोई पेपर लीक होने से होने की फेक न्यूज ना फैला सकें। इतना ही नहीं, जिन महिला उम्मीदवारों ने लंबी स्लीव्स के, लंबी बाजू के सूट या कुर्तियां पहनी हुई थी या कोई ड्रेस पहनी हुई थी, उनके इन कपड़ों की बाजुओं को कैंची से काट दिया गया और हाथों में पहनी गई चूड़ियां और धागे भी उतरवा दिए गए ताकि नकल ना हो। ये सब कुछ नकल रोकने के लिए किया गया, लेकिन ये पुराने जमाने के तरीके हैं, अब कोई ऐसे नकल करता भी नहीं, अब तो ब्लूटूथ से नकल हो रही है। लेकिन इसके बावजूद नकल करने के ऐसे नए नए तरीके ढूंढ लिए गए कि जेम्स बॉन्ड की फिल्में बनाने वाले भी शर्मा जाएंगे। आपको याद होगा एक जमाने में जब बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे तो उनकी माएँ अक्सर उन्हें चप्पल फेंक कर मारती थी और कहती थी कि तुम तो नकल करके भी पास नहीं हो सकते, लेकिन क्योंकि नकल के लिए भी अकल चाहिए। लेकिन आज के बच्चे कह रहे हैं कि माँ नकल के लिए अकल नहीं, सिर्फ ब्लूटूथ वाली चप्पल चाहिए। गंभीर विषय यह है कि भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले 30% टीचर्स के पास इसके लिए जरूरी योग्यता और ट्रेनिंग है ही नहीं। राजस्थान में अनट्रेन टीचर्स की संख्या 15% है, फिर भी ये टीचर्स बन गए। और इसे समझने के लिए आप बिहार की वो 6 साल पुरानी तस्वीरें देखिए जिसने भारत को पूरी दुनिया में बदनाम किया था। तब परीक्षा केंद्रों की दीवारों पर चढ़कर छात्रों को नकल की पर्चियां पकड़ाई जा रही थी और ऐसी ही तस्वीरें बिहार से वर्ष 2017 में भी आई थी। देखिए आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, ये भारत की परीक्षाओं का हाल है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग इतना दिमाग लगाकर नकल करने के लिए ऐसे हाईटेक उपकरण बनाते हैं, जो लोग लाखों रुपए देकर इन्हें खरीदते भी हैं, वो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें, पढ़ाई कर लें, तो क्या बिना नकल के पास नहीं हो सकते? लेकिन भारत के लोगों को हर जगह शॉर्टकट चाहिए, परिश्रम में बचना है, परिश्रम से और लाइन में लगना नहीं है। इसी का नतीजा है कि भारत में परीक्षाएं पास करने के बाद भी लोगों को कभी नौकरियां नहीं मिलती। ये कह देना तो बड़ा आसान है कि भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन भारत में ऐसे लोग कहाँ हैं जिन्हें सही रोजगार दिया जा सके? आंकड़ों के मुताबिक भारत में 53% ग्रेजुएट्स, 80% इंजीनियर्स और 46% MBA स्टूडेंट्स नौकरी के काबिल ही नहीं है। उनके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। रिश्वत के दम पर कई बार भारत में अयोग्य लोग नौकरियों में आ जाते हैं और फिर ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं और ये सिलसिला ऐसे ही ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। वर्ष 2018 में भारत के राष्ट्रपति भवन में माली के पदों पर नियुक्तियां हुई थी। इनमें से करीब 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने फर्जी कागजात के दम पर ये नौकरियां हासिल कर ली थी, हालांकि बाद में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 2 साल पहले गुजरात हाईकोर्ट में चपरासी के 1100 पदों के लिए
आवेदन मंगाए गए। इसके लिए 1100 पदों के लिए 160,000 लोगों ने आवेदन किया और इनमें बड़ी संख्या में ग्रेजुएट्स थे, डॉक्टर्स और पीएचडी धारक भी थे। इसी तरह वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में चपरासी के सिर्फ 62 पदों के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 3700 ऐसे थे जिनके पास पीएचडी तक पढ़ाई करने की, जिन्होंने पीएचडी तक पढ़ाई की थी। यानी भारत में कुछ लोग नकल के दम पर टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर्स तक बन जाते हैं और कुछ लोगों को उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद चपरासी की नौकरी भी नसीब नहीं होती। कुल मिलाकर फर्रों पर प्रश्नों के उत्तर लिखकर की जाने वाली नकल अब नए जमाने में ब्लूटूथ और मोबाइल फोन के इस्तेमाल तक पहुंच गई है। और ये बात भारत के लोगों की नैतिकता के बारे में बताती है, क्योंकि ये चीटिंग सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है। लोगों के साथ इंटरनेट के जरिए फ्रॉड करने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नाइजीरिया के बाद दूसरे नंबर पर है। इंटरनेट पर फ्रॉड के मामले में, फेक न्यूज फैलाने के मामले में भारत पूरी दुनिया में नंबर एक पर है। भारत में लोग रिश्तों के साथ भी धोखाधड़ी यानी चीटिंग करने से कभी पीछे नहीं हटते। भारत में 500,000 लोगों पर किए गए एक सर्वे में 55% पुरुषों ने और 56% महिलाओं ने यह बात मानी कि उन्होंने अपने जीवन साथी को के साथ कभी ना कभी चीटिंग की है, यानी उसे भी धोखा दिया है। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातें अब भारत में किताबों से बाहर नहीं निकल पाती और असल जीवन में लोग परीक्षा से लेकर प्रेम तक के मामले में चीटिंग करने को गलत नहीं मानते। जीवन में चाहे आपको परीक्षा देनी हो या प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ना हो, आपको हर जगह परिश्रम करना ही पड़ता है और परिश्रम करना ही चाहिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।